सवाल खड़े किए हैं कि आकलन की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का परिणाम आया, जो महागठबंधन की दूसरी पार्टियां थी, चाहे वो आरजेडी हो, लेफ्ट हो, उनका परफॉर्मेंस हमसे कहीं बेहतर है। और यही बात हमने स्वीकार किया है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस भी उन्हीं की तरह होता तो आज ये महागठबंधन की सरकार बिहार में होती, और लोग यही चाहते थे। बिहार की जनता एक तरह से अपना मन बना चुकी थी परिवर्तन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। जो अध्यक्ष हैं उन पर सीधे हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, सीधे हमले कर दिए कि उनको चेंज कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि अभी हम किसी जल्दबाजी में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि हम तमाम जो हमारा बिहार का शीर्ष नेतृत्व है, उसके अलावा जो हमारे उम्मीदवार थे जो चुनाव लड़ रहे थे, और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, उन तमाम लोगों से राय मशवरा करने के बाद किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे और हाईकमांड को उससे अवगत कराएंगे। कैंडिडेट के चयन में भी काफी जल्दीबाजी, कुछ कमजोर, वो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत गहन चिंतन की जरूरत है कि उम्मीदवारों के चयन में कमी रही, और हमारे अभियान में कमी रही, लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए समय पर, ये तमाम चीजें हैं। लीडरशिप का चेंज एक सोल्यूशन हो सकता है ना बिहार में? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है, वो तो हाई कमांड तय करेगा। हम लोग की कोशिश ये है कि जो यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना है उसको वहाँ तक हम पहुँचाएं, बाकी फैसला लेने का अधिकार तो हाई कमांड को है।